बता दें कि केवटी प्रखंड क्षेत्र में मंथर गति से चल रहे कोरोना विरोधी टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास जारी है। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में लगातार प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में BDO महताब अंसारी प्रखंड भर की आंगनबाड़ी सेविकाओं की बैठक बुलाकर प्रखंड में चल रही कोविड वैक्सीनेशन में सहयोग करने के लिए आग्रह किया है। प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं की संख्या 300 से अधिक है, इसीलिए सभागार में कोरोना के मद्देनजर 50-50 सेविकाओं की टोली बनाकर बुलाया गया और इन्हें BDO ने कई निर्देश दिए हैं, काम करने के तरीके समझाया और दायित्व सौंपे हैं। BDO अंसारी ने कहा, उन्हें समझाया है कि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाए जाने वाले टीके की कमी नहीं है, आप लोग अपने अपने पोषक क्षेत्र में सर्वे कर ऐसे सभी 45 वर्ष से ऊपर के लोगों की सूची बना लें जिन्होंने अब तक कोरोना विरोधी टीका नहीं लगवाया है। आइए खुद महताब अंसारी से सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है अपने आंगनबाड़ी सेविकाओं को। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को करिएगा क्योंकि प्रखंड का ये विशेष कवरेज आप देख रहे हैं। अगर एक पंचायत में जा रही है हमारी वैक्सीन देने के लिए टीम, तो वहाँ 200 लोगों को हम लोग वैक्सीन दिलवा दें। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने पोषक क्षेत्र में सबसे पहले सर्वे कर ले कि उनके पोषक क्षेत्र में 45 साल से ऊपर के कितने लोग हैं, उनमें से कितने लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उसकी सूची बना लें, हम लोग उसकी सूची बना लें। जो 45 साल से ऊपर के लोग यह हैं, इन्होंने अभी तक कोरोना का टीका नहीं लिया, ताकि जिस दिन टीम जाए आपके पंचायत में उसे उन सभी लोगों को ले जा करके उस केंद्र पर जो है उन लोगों को टीका दिलवा दें। और ये हो क्या रहा है समाज में कि लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है। लोग को ये लग रहा है कि कोरोना टीका लेने से लोग मर जा रहा है। अधिकतर जो है, हाँ बंद कर दूंगा, आधा घंटा काट लेंगे उत्तराखंड की, कि कोरोना के टीका लेने से आदमी मर जा रहा है। तो आप लोगों को सरकार फरवरी मार्च में ही टीका दे रही थी ना, हम लोगों को, आप लोगों को सबको टीका लगा हुआ है, तो उन लोगों को समझाइए आप लोग कि कोरोना का टीका लेने से कोई मरता होता नहीं, ठीक ना? क्योंकि ठीक है, इतना बात हम बताएंगे, ठीक है, उसका वो जो अपना बोलता है उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। उन लोगों को कहिए कि अगर कोरोना वैक्सीन लेने से आदमी मर जाता तो हम तो 3 महीना से लिए हुए हैं, पहले तो हम ही ना मर जाते। तो ये सबसे पहले हम लोगों को बताना होगा कि कोरोना वैक्सीन से किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कभी कभी कोई जो कमजोर आदमी होते हैं उनको कभी कभी हल्का फीवर आता है और कुछ नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, कोरोना वैक्सीन किसी भी प्रकार की बीमारी है कोई दिक्कत नहीं है वो लेगा। दो ही आदमी कोरोना वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हो जो महिला, या जो महिला गर्भवती हो वो वैक्सीन नहीं लेगी। बाकी जो ही 45 साल से ऊपर के क्षेत्र में है आपकी पोषण क्षेत्र में, वो लोगों को वैक्सीन एकदम लेना होगा। आज आपको बता दें कि इस जो कोरोना का दूसरा लहर आया था उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा देश इंडिया हुआ, 2 लाख लोग मर गए। हम लोगों में भी यहाँ बहुत लोग बैठे होंगे जिसके दूर के संबंधी में किसी न किसी आदमी का देहांत हुआ होगा, नहीं भी दूर के संबंध देहांत हुआ होगा उनके पंचायत के लोगों में, पंचायत में कुछ लोग मर गए होंगे। आपको बता दें यही बिंडारुस में भी 8-10 आदमी मरा है, तो क्योंकि में भी 2-4 मरा है, पैगम्बरपुर में 2-3 मरा है, खिरमा में 2-3 मरा है। इस तरह करके हमारा दबाव भी इस बीमारी से अछूता नहीं। लेकिन देखिए अमेरिका का सब लोग घूम रहा है फ्री में, वहाँ मास्क भी पहनने की जरूरत नहीं है, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अमेरिका के लोगों ने, सभी लोगों ने अपना अपना वैक्सीन ले लिया और वो फ्री हो गया। अगर हम लोग भी अगर अभी वैक्सीन नहीं लेंगे तो फिर अगला जो लहर आएगा फिर हम फिर ऐसा ही मौत में होंगे। इसी के लिए सरकार एकदम प्लान कर ली है कि हमारे समाज में 45 साल से जो भी ऊपर के लोग हैं उनको तुरंत टीका दिलवाएंगे। इसके लिए आशा कार्यकर्ता को लगाया गया है, जीविका दीदी को लगाया गया है, हरेक पंचायत में शिक्षकों को लगाया गया है और हरेक पंचायत में आप लोगों की भी ड्यूटी ली जाएगी। सरकार ने हम लोगों, आप लोगों को फरवरी में ही, मार्च में ही टीका दिलवा दिया है ना सब आदमी को, क्यों? ताकि हम लोग हेल्थ वर्कर हैं, हम लोग लोगों को समाज में समझा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि आप लोग आकर के अपना टीका लीजिए। तो आज जो आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है इसका मूल उद्देश्य यही है कि आप लोग अपने अपने पोषक क्षेत्र में प्रचार प्रसार करिए कि कोरोना का जो अभी टीका लग रहा है वो एकदम सुरक्षित है। अगर ऐसा कुछ होता तो
मेरा पीछे है, कोई दिक्कत नहीं, हाला नहीं, पूरा तरह सुरक्षित है। अगर ऐसे कुछ रहता तो हम लोग पहले मर जाते या हम लोगों को कुछ होता। हम लोग, आप लोग बताइए क्षेत्र में कि हम लोगों को कुछ नहीं हुआ है, हम लोग सुरक्षित हैं, है सुरक्षित तब ना यहाँ है आप लोग। तो ये आप लोगों को पंचायत में अपने पोषक क्षेत्र में समझाना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा और एक लिस्ट बनाना होगा अपने पोषक क्षेत्र से संबंधित कि हमारे पोषक क्षेत्र में 45 साल के कितने लोग बचे हुए हैं जो कोरोना का टीका नहीं लगा।